लड़के बिल्कुल नहीं चाहते कि उसका पार्टनर किसी दूसरे लड़के के साथ बात करे। वो शक नहीं करते, बल्कि वो अपने पार्टनर की परवाह करते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक लड़कियां अपने दर्द को कम करने के लिए खामोश रहना पसंद करती हैं। असल में जब वो आपको इग्नोर करती हैं तो अंदर से बहुत दुखी होती हैं। लड़के ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें आपकी कोई फिक्र ही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अपने आप से आपकी फिक्र ज्यादा होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए तो चाहे उसके सामने दुनिया की हसीन तरीन औरत ही क्यों ना आ जाए, वो उसे लिफ्ट नहीं करवाता। एक तहकीक के मुताबिक आजकल की लड़कियां सीधे और शरीफ लड़कों को पसंद नहीं करती, वो अक्सर चालाक और होशियार लड़कों के साथ रहना पसंद करती हैं, जिसका अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई शख्स बिना शर्त के आपसे प्यार कर सकता है तो याद रहे वो इंसान बेवजह आपसे नफरत भी कर सकता है। साइकोलॉजी के मुताबिक लड़के अपने दिल की बातें किसी से भी इतनी जल्दी शेयर नहीं करते, लेकिन जिससे वो अपने दिल की बातें शेयर करते हैं वो उसके लिए दुनिया में सबसे अजीज होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक आपकी सबसे अच्छी दोस्त आपकी लवर बन सकती है, लेकिन आपकी वही लवर आपकी फिर से दोस्त नहीं बन सकती। साइकोलॉजी के मुताबिक हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जिसे देखकर वो बुरे से बुरे हालात में भी मुस्कुरा देता है। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है? साइकोलॉजी के मुताबिक लड़कियों को अपनी तारीफ बहुत ही पसंद होती है, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, इसलिए कभी ना कभी आपको उसकी तारीफ कर ही देनी चाहिए। ज्यादातर लड़कियां अपने लवर से दूर होने पर उसे मिस करके रोती हैं, और ऐसे हालात में लड़के परेशान होकर अक्सर गुस्सा करते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई लड़की आपसे बातें करते वक्त अपने बालों को सहलाती है तो इसका ये मतलब है कि वो दिल ही दिल में आपको चाहती है। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अपनी कीमती राय का इजहार कॉमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।